Yes, good morning everyone. So we are starting with the differentiation doubts. So first of all, we are discussing about the question paper. Question paper ke doubt hai. Kon kon se doubt hai mere ko bataiye. तीन जून है आज, बर्थडे है जी। बजट बाजार नहीं है जाने पूरी के अंदर में? बजट बाजार सुना होगा तुमने तो। बजट बाजार जनकपुरी वाला जो है, रजौरी में भी है वैसे, साउथ एक्स में भी है। मेरा कजन है ना, उसका बर्थडे आज 3 जून। डेट देखते चीजें ना सिंक्रोनाइज होने लगती हैं। नहीं मुझे बताइए आप, मिल जाएगी सारी वीडियो है मेरे को, दिखा देना जरा एक बार। हाउ आर यू नलिन? क्या अरे पैर में काफी चोट लग गई तेरे तो यार। सर मैं आप पूछना चाहूंगा यहाँ पे अरने जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर एक्स? ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉग एक्स मिस्टर तनिश? 1/x। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1/x? हाउ टू डिफरेंशिएट 1/x? एब्सोल्युटली पावर ऊपर चली जाएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ -1/(x²)? नलिन जी हर्षिता, -1/(x²) का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो 24 मार्क्स कहीं ना कहीं नजर आते हैं सर, क्योंकि -1/(x²) का बेसिकली मतलब क्या हुआ हमारे पास? -1/(x²) का मतलब हो गया क्या? एक्स टू द पावर पर -2 हुई, पावर आ गया ही, और एक पावर और कम हो जाएगी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टैन इनवर्स एच रो? हाँ हाँ तो ठीक है, मैं देख भी नहीं सकता ऐसे। अच्छा हाउ टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन? ध्रुव जी हाँ, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके अंदर में? कल हर्षिता जी बहुत गलतियां कर रही थी वहां, सेकेंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप? हाँ कोशिश करो बेटा, कोशिश पे दुनिया कायम है। ये लोडिंग क्यों दिखाते हैं बार बार में ऐसे? क्लिक मैंने किया तो हो ही नहीं था, देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट्सएप पे तो खोल रखा है, वो भी जरूरी होता है। दोबारा उसको वो करें क्योंकि बाकी चैट तो आ रही है। देखो जैसे इस पे हेलो लिखना है मुझे, हाय
ये तरीका तो सही। हाय हाय चला गया, ये बाकी की चैट खुल रही है। भी आ जाएगा, एक मिनट रुक जाता है, यही खुल रही है चैट। बताओ इतनी सारी चैट जो चाहिए वो। अच्छा बाकी पीछे की सारी चैट खुल रही है। आपके पेपर तो नहीं है ना सेम? पास है एक बार शी अच्छा मैंने यहाँ तो भेजा ही नहीं है तुम्हें। रवि सर की चैट ही खुल रही है, रवि सर की पे है पेपर। चलिए तब तक हम कुछ और, मैं तो क्वेश्चन तो मुझे मालूम ही है, तब तक खुलेगी तब तक हम देख लेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हाँ जी सर, कौन सा नहीं निकला था सवाल? 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट कह रहे थे सर ये। क्वेश्चन नंबर 5 वाला वो कर लेते हैं, बताएंगे सर एक बार, मेरे को सवाल बता पाएंगे सर एक बार? जरा हमें अच्छा लगेगा अगर आप सवाल बताएंगे सर। हाँ ए साइन पी टी बी कॉस पी टी शो डैट क्या? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में ये पूरा है प्लस, ये प्रूव करना था, काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ है, थोड़ी दिक्कत आई है। तो कैसे निकालेंगे अब? डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा बेटा मेरे पास? ए कॉन्स्टेंट आ गया साइन। हाँ पी टी को तो करना ही पड़ेगा ना बेटा वो तो। हेलो हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ क्लास है 9:30? हाँ 9:30 बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है बेटा ठीक, मैं यहाँ कर रहा था। तो ए साइन पी टी का कितना हो जाएगा बेटा? नहीं कॉस पी टी होगा, पी टी का पी होगा, समझ रहे मेरी बात को? अच्छा डी वाई बाई डी टी कितना आएगा हमारे पास? बी कॉन्स्टेंट है, कॉस पी टी का और पी टी का फिर पी हो गया, यहाँ तक ओके है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा पहले, तो डी वाई डी एक्स कितना आएगा यहाँ पे? अर्चिता जैसे आप कर रहे थे, अब इसका भी आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर आप डिवाइड कर रहे थे, वो गलत हो जाएगा बेटा, सोच रहे हो ना अर्चिता बेटा आप? ये कितना आएगा डी वाई बाई डी टी कितना आएगा हमारे पास? देखो डी वाई बाई डी एक्स बी, सॉरी सॉरी कितना आ गया? पी आगे लगा दूं बेटा मैं, माइनस भी आगे लगा दूं मैं, ये साइन पी टी हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा? पी ए कॉस पी टी। मैंने रीशफल करा आगे पीछे चीज़ें वो करा है, कुछ कट रहा है क्या? पी से बी कट जाएगा, कितना बच जाएगा? माइनस बी अपॉन ए टेन पी टी। सर यहाँ तक कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आ जाइए तीसरी, कैसे हैं आप? आप आगे आ जाइए सर। तो माइनस बी अपॉन ए कॉस पी टी टेन पी टी हो जाएगा बेटे। कल का पेपर का 5वां सवाल सॉल्व कर रहे हैं, निपुण जी की डिमांड थी ये। अब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका हम लोग, कितना आएगा? डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, टेन पी टी का कितना होगा? सिकेंड स्क्वायर पी टी, और पी टी का कितना हो जाएगा? पी। लेकिन इंटू क्या करेंगे? डी बाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स है ना, हाँ डी टी बाई कितना हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पी करेंगे हम लोग। अब ये इस तरह बच्चा भूल जाता है, तो पता लग रहा है क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स के कौन बैठा हुआ है? टी बैठा हुआ, तो टी का डिफ्रेंशिएशन दोबारा हो रहा है। और हमेशा एक 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 एल्गोरिथम है कि डी टी बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा? जो ये पहले निकाला है इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, माइनस बी बाई ए सिकेंड स्क्वायर पी टी, ये मैं पी आगे लिखा रहा हूँ सर, ये वाला पी मैं आगे ले गया हूँ मैं, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? वन अपॉन में कितना? ए कॉस पी टी इंटू पी। अब मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये पी से पी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस
बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू, हाँ ऊपर लिखेंगे तो सेक क्यूब पी टी। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद की चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। दो जुलाई को संडे है ना, 2 जुलाई को इलेक्शन है हमारे यहाँ पे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट PMA के। तो अगर तुम्हारी कोई, मैं बता दूंगा हमारे कुछ खास लोग हैं, अगर आपकी नज़र में कोई CMA हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट पापा CMA भी है ना पापा? पापा CMA है, CA है ना पापा? अगर आपने कर लिया हो तो मैं आगे चलूं सर, अगर आप इजाजत दें मुझे तो। नहीं देना इजाजत, ओके ध्यान। कोई भी ऑनलाइन नहीं है, अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और आगे चलते हैं ज़रा। देखिए सर, ये सवाल था हमारे पास सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कैसे करें इसको देखिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हम सेकंड डेरिवेटिव पे निकाल करके। वाई की वैल्यू कितनी थी? वाई की वैल्यू ये थी हमारे पास यहाँ, आई एम पुटिंग द वैल्यू वाई बिला बिला बिला। वाई की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे? बी कॉस पी टी, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, जो एक्स ये है इसका स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी। और सेकंड डेरिवेटिव कितना है? यह है कितना है, माइनस बी अपॉन ए क्यूब इंटू सीकेंट पी टी प्लस। बिल्कुल सही कहा सर ने, ध्रुव जी की बात बिल्कुल सच्ची थी, सही थी। अभी थोड़ा निपुण जी दिमाग लगा रहे हैं, लगाने दीजिए इनको थोड़ा सा। ठीक है सर, चले आगे। आप सॉल्व करें अब यहाँ से, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बच जाएगा। साइन स्क्वायर टी पी कितना होता है? कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर पी टी हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाते हैं स्टेप, कितना आ जाएगा? बी बी स्क्वायर को बड़ा करके नहीं लिखा, नहीं, मेरे को जरूरत नहीं, मैं बाद में देखूंगा। अभी मैं, अभी मेरे को जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अभी अभी कॉस भी आ गई है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता है, ए स्क्वायर अंदर आ गया। फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर पी टी हो गया। और बाकी कितना बचा हुआ है? माइनस बी बाय ए स्क्वायर कितना बचा हुआ है? साइन क्यूब, साइन क्यूब नहीं सॉरी, सेक क्यूब पी टी है प्लस बी स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ये बी और बी कितना हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। और ये आ जाएगा कॉस पी टी इंटू कॉस क्यूब पी टी, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब पी टी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? सेक क्यू पी टी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर।
अब ये कॉस क्यू पी टी और सेक क्यू पी टी ये तो कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि सेक क्यू पी टी को वन अपॉन कॉस क्यू पी टी लिखेंगे, ये कट जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर बच गया, प्लस का बी स्क्वायर बच गया, इज इक्वल टू जीरो आ गया, कहते हैं आर एच एस आ गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लगे कॉपी कर लीजिए। अच्छा और कौन सा डाउट था सर? 6 और 7 भी देख लेते हैं, केवल 6 डाउट है। कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने ये वाला? अच्छा आ तो गई है, ये तो आज वाला टेस्ट है। चलिए सर बताइए कौन सा डाउट था ये वाला? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत थी? ये तो कई बार किया हुआ है, फिर भी करेंगे, कोई बार सर ने पूछा है। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमारे को, एक्स क्या दे रखा है आपको? पैरामेट्रिक तरीके से करेंगे, कर दें एक बार सर इसको जरा। एक्स की वैल्यू ये साइड दी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है आपको, क्या आ जाएगा देखिए जरा। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ए साइन डी थी। वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास? वाई इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस ए, ए था ना कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू प्लस लॉग टेन टू बाई टू। डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा मेरे पास? देखिए ए कॉस टी आ जाएगा और डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा मेरे पास? ए कॉन्स्टेंट है कॉस टी का माइनस टेन टी लॉग टेन टी बाई टू का वन बाय टेन टी बाई टू, टेन टू बाई टू का सेक स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का वन बाय टू। बच्चे यहाँ आके रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आके और हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो बिल्कुल जो भी होगा देखेंगे हम लोग। ए कॉन्स्टेंट आ गया, रचित आप भी कर यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, माइनस साइन टी प्लस ये टेन टी बाई टू का मतलब क्या होता है? साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या टेन टी बाई टू ऊपर जाके क्या बन जाएगा? कॉस टी बाई टू बन जाएगा, बन जाएगा। उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, और सेकेंड स्क्वायर टी बाई टू को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन टी बाई टू, और ये वन बाई टू तो था ही हमारे साथ। अब कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे देखिए जरा? तो सर ने कहा कॉस टी बाई टू और कॉस टी बाई टू कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा मेरे पास वन अपॉन में टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। अब ये कुछ चीज है यार, ये कुछ मैंने कहीं देखा है साइन टी का फॉर्मूला। कई कभी हम उनको साइन टू की लगा देते हैं, कभी हम साइन टी बाई टू लगा देते हैं, लेकिन नहीं साहब ये क्या है? वन अपॉन साइन टी है। साइन टी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो एंगल हाफ हो जाता है। साइन टी का फॉर्मूला क्या होगा भैया? अगर साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये एंगल आधा हो जाता है, तो साइन थीटा टाइम साइन टी का फॉर्मूला क्या होगा? टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। तो मैं इसकी जगह साइन टी नहीं लिख सकता क्या? कल को ही लिखा होता साइन फोर टी, साइन फोर टी का फॉर्मूला क्या बनता? टू साइन टू टी और कॉस टू टी। अगर ये होता मान लीजिए एंगल साइन निपुण होता, क्या मामला बनता बताओ उसका? टू साइन निपुण बाई टू कॉस निपुण बाई टू, ये तो एंगल है साहब। निपुण हो, थीटा हो, पाई हो, टाई हो, कोई भी हो, डज नॉट मैटर, कोई हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना।
एंगल एंगल रहेगा। अभी कितना हो गया एलसीएम ले सर, यहाँ पे निकुंज जी अगर आप हेल्प करें हमारी, साइन टी को एलसीएम आ गया कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, ये वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी अपॉन में कितना हो गया साइन टी हो गया। अब ये अब मेरे को थोड़ा चैन पड़ा था, कोई सुंदर सी चीज बन के आई, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव अभी भी दूर है, मैंने पहले डी बाई डी एक्स निकालना है, और डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, नहीं सर सर नहीं सर, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डी बाई बाय डी एक्स, डी बाई बाय डी एक्स कैसे निकालूंगा, आइए सर लेट हो गया थोड़ा सा, हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे थे, कल की जो परीक्षा हमारी थी उसका पांचवा हमने कर लिया, छठा होता है ठीक है सर। डी बाई डी टी कितना है मेरे पास, को बता पाएगा मुझे कितना आया था अभी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन अपॉन साइन टी, और डी बाई डी एक्स बाई डी टी कितना है मेरे पास, वन अपॉन मतलब ए कॉस टी अपॉन वन है, अगर ऐसा होता है तो नंबर रीशफल हो जाएंगे, कितना आएगा ए स्क्वायर कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू वन अपॉन ए कॉस टी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ए से ए कट गया कॉस टू ए कॉस टी कट गया, तो बट गया कॉस टी अपॉन साइन टी, तो ये क्या आ जाएगा कॉट टी आ जाएगा, दक्ष के भी 24 नंबर आए फिटजी वाले के 24 मार्क्स ही गॉट गया, अभी को सुबह गया क्लास के लिए 8 बजे, शाम को आएगा 4:45 पे, 8 बजे से लेके 3:45 तक, क्योंकि सीबीएसई नहीं होती ना बेटा, अब बेटा क्या जिंदगी है साहब, छोटे छोटे 16-17 साल के बच्चों के साथ ना टॉर्चर होता है हिंदुस्तान में, और कोई देश होता तो इतना पढ़ाई का बोझ नहीं होता, हिंदुस्तान है आईआईटी करना है मेरे बच्चे को, आईआईटी करना है, 10,000 बच्चे निकलते हैं आईआईटी में, नहीं नहीं बैठते बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन आईआईटीज में जाते हैं ना, हर किसी का सपना होता है, कॉमर्स वालों का सपना होता है सीए बनूं मैं, सीएस बनूं मैं सीएमए बनूं मैं सीएफए बनूं मैं एमबीए फाइनेंस करूं आईआईएम से, ये कॉस सी आ गया, अच्छा लगता है 24 जून को मेला लगेगा स्कूल के अंदर में, मतलब कि जो एलुमनाई मीट है, बच्चा बहुत ईगर है, सबसे ज़्यादा ईगर है 2021 का बैच जिनको फेयरवेल नहीं मिली थी, क्योंकि कोविड के कारण फेयरवेल नहीं मिली थी ना उनको, नहीं बुला वो आ गए तो उन्हीं की एलुमनाई हो जाएगी फिर, दोस्तों वही आ जाएंगे, तो अभी उनको हमने बोर्ड एक्सक्लूडेड रखा है, बाकी देखते हैं डिपेंड करेगा, देखते हैं अभी कितने रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आ रही कशिश आ रही है दिल्ली में या कहीं बाहर है, अभी 24 को आएगी भैया, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे एक में ना, 2019 पास आउट है ना वो, तेरे भी भाई है ना एक तो, नहीं छोटा बड़ा कौन सी क्लास, मतलब तो आ रहा है भाई नहीं आ रहा क्यों, चलो ये हो गया क्लियर हो गया वाला सवाल, और कोई डाउट है किसी का तो सर मैं आके चल पड़ू जरा, चलिए जी अब मैं असाइनमेंट पे चल पड़ू एक बार असाइनमेंट दोबारा दिखा दूँ आपको, या मैं एमसीक्यू पे आ जाऊँ जरा, मैं एमसीक्यू पे आना चाह रहा था जरा, कि एमसीक्यू की आदत हमें पड़ेगी एक बार, ठीक है सर, क्योंकि अब आपकी क्लास अब होगी कब, ट्यूजडे होगी, तो ट्यूजडे आते फिर मैं टेस्ट लूँगा आपका, ट्यूजडे 9:30 से 11 क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई कहाँ जा रहा है तू, ठीक है कोई जो नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे हैं कम से कम वो तो आके टेस्ट देंगे देंगे, क्योंकि टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, नहीं मैं रेस्ट नहीं करना चाहता सर, क्योंकि मैं रेस्ट करता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हाँ क्वालिटी सही है, लेकिन फाइनल आंसर तो नहीं निकाला ना तुमने, वो अच्छे मेरे को याद नहीं रहा, मैंने एक्स और वाई चेंज कर दिया था, अच्छा लगा आप डाउट्स के लिए आते हैं सर,
डिफरेंशिएशन की असाइनमेंट कौन सी है? देखिए जरा, अच्छा इसमें एमसीक्यू है ही नहीं यहाँ पे, मैंने एमसीक्यू की असाइनमेंट अलग भेज दी थी क्या डिफरेंशिएशन की आपको? इसके साथ नहीं रह गया डिफरेंशिएशन की असाइनमेंट? एमसीक्यू थे नहीं मेरे पास, मैंने भेजे थे ना आपको, प्रिंटआउट में साथ है ना? देखते कि चावला चावला पे गए हम लोग, मिल गए। पहले मैं आपको आसान ऐसा मैं एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। कि सर हमारे एमसीक्यू तैयार हो गए हैं। सर मैंने उस दिन भी कुछ एमसीक्यू कराए थे आपको, यहाँ से नहीं कराए थे, इस वाले पेपर से नहीं कराए थे शायद वो। चलिए पहले मैं थोड़े आसान लेके चलूंगा जरा एमसीक्यू, ठीक है जी, क्योंकि एमसीक्यू का लेवल थोड़ा ऊंचा है इस वाले एक्सरसाइज जो मैंने दिए हैं आपको। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, एक बार नीचे से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। कुछ कटे भी हुए हैं हमारे पास, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट के लिए। एक्चुअली ना ये कंटिन्यूटी के ही आ गए मेनली जा रहा था तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 एक बार देखते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 53 देखें जरा एक बार आप, 53 का आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 वाई इज इक्वल टू लॉग सीकेंट डिवाइड एक्स क्या आएगा, एक बार ट्राई करिए सर। क्वेश्चन नंबर 53 लॉग सीकेंट ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, पीछे आंसर देखना क्या है, जिसे नहीं निकला मैं हेल्प करूंगा। लॉग सेकेंड ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, सी नहीं है ना आपका बेटा तनिष, मैं हेल्प करूंगा आपकी। अनेश का नहीं आ रहा, अनेश जिस तरह से देख रहा है, वाई इज इक्वल टू लॉग क्या था, वाई इज इक्वल टू कितना था, लॉग सेकेंड ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर यही था ना, यहाँ ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर तो एंगल हो गया, पहले लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स का कितना हो गया डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स, वन अपॉन ए ये आ गया, फिर किसको एक्स माना, सेकंड एक्स को, सेकंड एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, फिर किसको एक्स माना, ई की बार एक्स को, ई की बार एक्स का और एक्स स्क्वायर का, आप देखो कितना बड़ा हो गया छोटी छोटी करते। बच्चे पता क्या करके आते हैं, लॉग एक्स का कितना 1 बाय एक्स, सेकंड एक्स का सेकंड एक्स टेन एक्स, फिर आता है गुस्सा, वो बच्चा नॉर्मल है एकदम, बिल्कुल सही है इसके सेकंड एक्स, यही तो बताया था आपने, अरे भैया एंगल भी तो देखना है ना मुझे। अच्छा आप देखिए अब क्या कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे देखिए जरा क्या क्या कट रहा है, बताइए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 53 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या सेकंड एक्स स्क्वायर, सेकंड एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी बच रहा है आप ये है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे, सी इज द राइट ऑप्शन, कर पाए आप। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए जरा, वाई इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन डी वाई बाय डी एक्स,
कौन बताएगा? क्वेश्चन अब देखो, बहुत सारी ऑप्शन है दादा, यहाँ जितने लोग उतनी बातें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन जो होशियार बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। आर यू होशियार? देन यू कैन डू। मैं हेल्प करूंगा थोड़ी सी। चलिए मैं कोशिश करूंगा इसको करने की। चलिए अभी किसी का भी नहीं आया आंसर, चलिए थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। मेरे को नहीं पता क्या, मैं देखो जरा क्या आंसर आया है। बी आ रहा है, बी आ रहा है, देख लिया पीछे, देख लिया। चलिए 54 का बी कह रहे हैं। देखिए काफ़ी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए 9 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे इस टाइम ऑफलाइन में। देखिए बी आ रहा है आपका, आ गया अभी। लॉग कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। और काफी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। खासतौर पर सरीन साहब, हर क्वेश्चन में आप लॉग ले लेते थे, और आज जब खुद लॉग साक्षात आ गया तो आप लॉग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लॉग लॉग एम माइनस एन लिख दो आप, इसको ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते मतलब आप उसको उस तरीके से भी आ जाएगा जो आप सोच रहे थे, लॉग एक्स का 1/x और जिसको एक्स बना उसको और करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ भगवान साक्षात आपके साथ दर्शन दे रखे हैं, लेकिन किसी लोगों को भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, वो आपकी पूजा और आस्था पर डिपेंड करता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कितना हो जाएगा लॉग एक्स का? एक्स स्क्वायर और 1 - x² का माइनस 2x माइनस लॉग एक्स का 1 + x² 1 + x² का 2x। ये आ गया, अब ये एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया मेरे पास 1 - x² 1 + x² एलसीएम आ गया। और 2x मैंने क्या निकाल लिया? कॉमन भी निकाल लिया, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ 1 + x² और माइनस का कितना बच जाएगा? ठीक है, अरे मैंने यहाँ 2x भी कॉमन निकाल लिया मेरे बच्चे, नहीं खुश नहीं है सर, मैंने यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लिया तो कितना बच गया अंदर? माइनस 1 / 1 - x² माइनस 1 + x² 2x बाहर था, ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा ऊपर नहीं बचेगा। अब ब्रैकेट ओपन करो जरा, क्या आएगा? 2x नीचे आ जाएगा, 1 - x^4 आ जाएगा, क्योंकि a - b * a + b हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो जरा, क्या आ जाएगा? -1 - x² -1 + x² कुछ कट रहा है क्या? x² कट गया, -1 और -1 -2 तो -4x / 1 - x^4। आपने ऐसे नहीं किया होगा शायद, ये सस्ता है। सब महंगा तरीका करेंगे, जब मैं छोटा बच्चा था वही शरारत करता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके ठीक है, मतलब क्लिक करना चाहिए यार, कोई बात नहीं। देखिए मैं उस तरीके से भी करके देखो एक बार जरा, बोलिए कुछ चाहते हैं बच्चे इस तरीके से भी करा जाए एक बार। लॉग 1 - x² कितना है? ये सवाल है हमारे पास,
अब लॉग एक्स का कितना हो गया, वन बाई एक्स, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन टू लगाएंगे हम लोग, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, फिर किसको रखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, और उसका कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा टू एक्स। इसको बाहर मत समझना बेटा, वो घर के साथ ही है। ये आ गया, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा टू माइनस वन, टू एक्स ही ले लेते हैं, कितना आ गया माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। सर जी मैंने यहाँ से टू एक्स कॉमन निकाल लिया ना निपुण जी, तो ये बच जाएगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर टू एक्स कॉमन निकाला तो बाहर माइनस था, तो अंदर के साइन भी तो बदलेंगे। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया माइनस टू, ये बच जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए इससे स्क्वायर कट जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस फोर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये फाइनली क्या बचेगा माइनस फोर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की बात। वैसे सही कह रहा है ये, शायद ये आसान लगा। हाँ अच्छा और देखे जरा क्या आंसर आ गया इसका, फाइनली एक बार आंसर बताना जरा, मैं लिख पाऊँ यहाँ नहीं, बी एल सी ए डी ए बी आंसर आ गया इसका। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं जरा एक बार। 55 का आंसर बताइए, अनेश्वर देख रहे हैं ऐसे, घबराहट होती है मुझे थोड़ी सी। एफ एक्स लॉग एक्स है, इन्होंने डिफरेंशिएशन पूछा एफ लॉग एक्स का, पहले एफ लॉग एक्स निकालो, पहले एफ एक्स कितना दे रखा है मुझे इन्होंने, एफ एक्स लॉग एक्स था, तो पहले एफ इन्होंने पूछा एफ लॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी, जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये फंक्शन बन के आया। इसका मुझे क्या करना है, अब डिफरेंशिएशन करना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब लॉग एक्स का क्या हो गया वन बाय लॉग एक्स, किसको एक्स माना, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा वन बाय एक्स हो जाएगा। अभी कर रहे हैं, एक सेकंड करते हैं, यहाँ ये क्लियर हो गया आपको, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं जी हर्षिता थोड़ा कम समझ में आया वाला, क्लियर है पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए जरा, आपको एक कर्व दे दिया है, रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू कितनी है, और कह रहे हैं डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, किस पे वन वन बाय फोर और वन बाय फोर, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है हमारे को, इसका डी वाई डी एक्स निकाल ही सकते हैं ना हम लोग, और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू वन बाय फोर पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू वन बाय फोर पुट कर देंगे, करके देखते हैं एक बार जरा, बताइए क्या आंसर आएगा। नहीं नहीं बाद में पुट करके, डिफरेंशिएशन करने के बाद पहले डिवाइड एक्स निकालो, डिवाइड बड़ा सुंदर आएगा,
माइनस आ रहा हुआ रूट वाई बाई एक्स। हम तो रुके हुए साहब, हमें कहाँ जाना। यूरोप तो नहीं जा रहे ना। हजूरिया मैम घूम के आई हैं यूरोप तो। खजूरिया मैम, वो उन्हीं का नाम तो खजूरिया है, संगीता खजूरिया। बिल्कुल गलत आ रहा है जो भी आ रहा है आपका आंसर। मेरे हिसाब से माइनस वन आना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद है सवाल को, क्योंकि सवाल के साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। देखना माइनस वन आ रहा है, पीछे देखना जरा आंसर में, 55वें का, 56वें का। हाँ माइनस वन आया। वेरी गुड, मजा आ गया। अनिश इज इन बैक इन फॉर्म, ये शुभमन गिल है हमारा। नहीं आया माइनस वन, नहीं आया। देखिए ये रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, इसका ना बहुत अभी प्रैक्टिस जरूरी है बेटा आपको। असाइनमेंट को 3 बार कर लेना एनसीईआरटी के साथ, और एग्जाम्पल कर लेना साथ साथ में। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू कितना है? 4 है। आप डिफरेंशिएशन करो, रूट एक्स का कितना हो गया? रूट वाई का डी वाई बाई 4 का कितना हो गया? 0। तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 रूट एक्स हो गया। 2 से 2 कट गया, डी वाई डी एक्स कितना आ गया आपका? माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अब वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1/4। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, सॉरी ये कुछ भी नहीं था, 1/4। ये आपस में कर देंगे कितना बच जाएगा? -1 बच जाएगा। आसान सा सवाल था, कर पाए हम लोग एक नंबर के हिसाब से, ठीक है। वैसे बस थोड़ा सा फर्क रहा, यॉर्कर बॉल समझ ली हम लोगों ने इसको, थी फुल टॉस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत देनी विद रेस्पेक्ट के साथ। चले आगे सरीन जी, अगला सवाल देखिए, 57 देखिए जरा। पता दिक्कत कौन से टॉपिक में आती है? यहाँ थोड़ी सी डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आती है बच्चों, और कंटिन्यूटी में। अभी मैं कराऊंगा जो आप कह रहे थे, कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, इनमें थोड़े आपको हाँ वो कह रहे हैं यार, वो भी तो मेन सवाल कर रहे हैं। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो भी बच्चों वाली है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा मज़ा नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जरा। हिंट दे दूँ थोड़ा सा, I am having fever and food poisoning along with vomiting. Therefore, I will not be able to attend the classes. ये रोहन है। ओके बेटा चेक किया। कितने समय नहीं लगना चाहिए। थैंक यू सर, बच्चे का मैसेज आ गया, वेरी प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग। शायद मुझे भी लग रहा है, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको एक एक एज आगे रखनी पड़ेगी। आपने इसका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स किया होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इसका स्क्वायरिंग। तो अपने घर की बात है ना साहब, देखिए y इक्वल टू कितना है अंडर रूट में? साइन एक्स प्लस वाई। y इक्वल टू में क्या देखा है आपको अंडर रूट में? आपका आ जाएगा उससे आंसर, लेकिन घबराहट होगी साहब, मैं उससे भी करके दिखाऊंगा आपको। पहले सिंपल निकालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? y वाले आइटम एक तरफ कर लूं मैं, अब y स्क्वायर का कितना? 2y dy dx, y का कितना? डी वाई डी एक्स साइन एक्स का कितना? कॉस एक्स। डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया,
कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन लग रहा है हमें। अब कई बच्चे जो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे होंगे उससे भी करके देखिए एक बार जरा। देखिए y इक्वल टू कितना है, अब y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy by dx, रूट x कितना होगा, और रूट x का होगा sin x plus y का। अच्छा एक सेकंड ले, sin x plus y अलग अलग है, sin x plus y का कितना होगा, फिर sin x का कितना हो जाएगा cos x, y का कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dy by dx इज इक्वल टू, इसको मैं y लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ मैं, ये कितना आ जाएगा cos x plus dy by dx, इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, dy by dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos x upon 2y plus 1 upon 2y dy by dx। अब dy by dx टर्म को इकट्ठा करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, dy by dx कॉमन ले लो, 1 minus 1 upon 2y इक्वल टू कितना cos x upon 2y। अब आई होप आप सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेकर के, वो से भी जाएगा, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले तरीके से कर रहे हैं ना, वो बच्चों को थोड़ा सा हम इजीयर और बेटर और सस्ता और टिकाओ मजबूत। राइट वाला गलत नहीं है, मैं करके देखा पूरा, आपने कुछ गलती कर दी उसके अंदर में, तो यू नीड यू नो लॉट ऑफ ब्रशिंग योर डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे सर। 58 देखिए जरा, sec tan inverse root x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और जिसको x माना, ट्रेडिशनली पढ़ाने की जगह जब स्पीन करके पढ़ाने का मजा आता है, क्वेश्चन सामने वाले जो अटैक करते हैं पहले भी करते थे बोर्ड पे, नहीं डायरेक्ट पट्टी होता है स्कूल में, ये स्कूल में है लगा हुआ है, हर क्लास में लगा हुआ है, आजकल स्मार्ट बोर्ड लगे तो हुए वो बड़ा नहीं लगा हुआ है, वो ऑन कर दिया है, वो ऑन कर दिया है, हमने नहीं किया लगे अच्छा ये नहीं हो पा रहा है, मैं करता हूँ जरा, देखिए क्या दे रखा है, secant tan inverse x है, कितना था बेटा ये secant x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अब देखिए जरा secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x tan inverse secant x tan x tan tan inverse और tan inverse x का, अब ये तो टेन से टेनवर्स कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, वैसे बच कितना गया मेरे पास, अब देखिए मेरे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही है, मैं भी यही अटक गया हूं मैं। अब देखो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसको आपको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको याद है आपने इनवर्स सिग्नल में किए थे ये वाला पंडित बद्र प्रसाद हर हर बोले, तो ये टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स बाय वन है, इसको हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको देखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको टेन इनवर्स एक्स बाय वन दे रखा है, तो टेन के अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स है और बेस की वैल्यू कितनी है, वन, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ये कितना हो जाएगा कोई बताएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर को सेक में कन्वर्ट करूंगा सेक की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन बी, सेक की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन, sec theta की वैल्यू क्या होती है बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस नहीं होती क्या,
कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिखूंगा सीकेंट, और ये क्या हो जाएगा सीकेंट इनवर्स एच बाई बी, एच कितना मेरा रूट प्लस वन बाई स्क्वायर, बी कितना बेस कितना है वन, इंटू में क्या है एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे ऊपर क्या बच जाएगा खाली रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर से थोड़ा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करी लेकिन हमें इस तरह का यहाँ पे रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ये सही साहब ठीक है, ये सीयूटी की तैयारी भी आपकी डायरेक्टली हो रही है, सीयूटी में ऐसे सवाल आएंगे जो मैंने टेस्ट लिया और जो टेस्ट लेने वाला हूँ आज मैं, वो नहीं आएंगे सवाल, ये आएंगे सवाल ऑन द स्पॉट आपको रिएक्ट करना है, 50 में से 40 सवाल सॉल्व करने हैं आपको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी 58 59 देखिए, जरा बहुत प्यारा सवाल है, एफ एक्स के लिए देखिए एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, आप इसमें पता क्या करेंगे हमारे निपुण जी, यहाँ पे बाय पार्ट ये ना प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या गया एक्स का वन हो गया और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन पर, इतना भूखा है लड़का ये एकदम टूट पड़ता है खाने के ऊपर, प्रोडक्ट रूल लगाता ही नहीं है, सबर ही नहीं है, कल कितनी जगह गलती करी, प्रोडक्ट रूल की कोई इज्जत नहीं है, जबकि यहाँ क्या लगेगा इज्जत के साथ प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें एक्स की वैल्यू को कितना पुट करेंगे वन, पूछे क्यों, क्योंकि लिखा है आपने वन की वैल्यू निकाली है, क्या आएगा को नहीं पता क्या आ रहा है, देखते हैं पांड्या साहब हमारे क्या कहते हैं, सनीन साहब निपुण जी गर्दन मत लाइए आप आंसर बताइए, अच्छा कर, अच्छा बिना कहे कर बता दिया आपने, क्या मैं कर भी सकता हूँ उसको, एक्स एनी वर्ड एक्स में क्या लगेगा आपका y इक्वल टू देखा x tan इनवर्स x, अब आपने क्या करा डिफरेंशिएशन करा x को रखा tan इनवर्स x का और tan इनवर्स x को रखा x का 1, अब यहां पे कह रहा है ये इसको fx की भी कहते हैं हम लोग, अब f डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, f डैश x का इक्वल 1 डाल देते 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इनटू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है 5/4 होती है, तो पाई बाय ये हो जाएगा वन अपॉन टू और पाई बाय सॉरी गलती हमसे ही हुई है साहब, ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आया ए ए आ रहा है इसका आंसर, ठीक है अर्चिता समझ में आ रही है बातें, ये एक हम ऑन क्वेश्चंस को और अच्छा कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कर पा रहे हैं, मानते हैं आप, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए जरा एक बार के लिए, 60 देखिए जरा क्या आएगा, आज मैंने सवाल भी पूछा था ये निपुण जी से, इसने कहा कि मैं बताऊं कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, पता बच्चा कैसे करेगा इस सवाल को, कॉस इनवर्स क्या करेगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो मत करिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए तो आसान हो जाएगा सवाल, मैं थोड़ी हेल्प करूंगा आपकी, डिफरेंशिएट किसको करना है कॉस इनवर्स, किसको करना है कॉस इनवर्स कितना था विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स है, पहले इसको यू मान लो कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर को और इसको वी मान लो, अब इसका तो डिफरेंस सीधा ऐसे नहीं करेंगे कॉस इनवर्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आर यू श्योर, चलिए जी इससे भी निकल जाता निकलने का तो थोड़ी फॉर्म चेंज हो जाती, कितना है
यहाँ पे अब आपको ये सोचना है कि एक्स को क्या मालूम है, क्या लेट करूं मैं, हाँ यू यू कैसे हो जाएगा, नहीं सर बी, हाँ नहीं नहीं आपको सर फॉर्मूला याद है, मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद है, मैं यहाँ पे एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करूं, हाँ क्या, अगर ये 1 - 2x² होता तो मैं साइन पुट करता, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले होते हैं तीन, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा और एक होता है 2 cos² थीटा - 1, तो यहाँ कौन सी वाले 2x² - 1 है, तो x को क्या पुट करूंगा मैं, cos थीटा, मैं फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, लेट कर दिया मैंने x को, नदीन जी क्या माना, cos थीटा कितना हो जाएगा, u = कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 2 cos² थीटा - 1, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, जाना पहचाना सा लग रहा है भाई, ये तो cos 2 थीटा हो गया, u = कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, थीटा की क्या पुट करेंगे वैल्यू कितना आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो du / dx, ये आ गया नहीं आ गया, चाहते तो v में भी पुट कर सकते थे हम लोग, लेकिन इसका सीधा आपको मालूम है क्या आएगा, dv / dx कितना आएगा, cos इनवर्स का कितना आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, CUT का पूरा एलिजिबल क्वेश्चन है ये, du / dv निकालेंगे, कैसे निकलेगा, du / dx / du / dx कितना है आपका, आंसर कितना आ जाएगा, था उसमें कुछ नयापन था, लेकिन हाँ एक वैरायटी जरूर हमने करी है जिसमें एनसीईआरटी बहुत छोटी है, चलिए आगे बेटा हम लोग क्वेश्चन में आगे 61 पे आगे क्या करने चाहिए, नहीं एक्स को यहाँ पे क्या मानेंगे जब सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा मानेंगे बेटा, 2 tan θ / 1 tan²θ फॉर्मूला होता है साइन 2θ का, यहाँ पे कितना मानेंगे एक्स को हम लोग, यहाँ भी टेन थीटा मानेंगे, एक बार करके दिखाइए, जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको आंसर मालूम है इसका क्या आएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज आ रही समझ जाएगा, पक्का मैं करके दिखा दूं एक बार, जरा निपुण जी मैं कर दूं जरा एक बार,
हो गया ना नलेन। मजा आएगा सवाल में। देखिए अब आपको 63 63 देखिए जरा। सिक्सटी थ्री 62 रह गया क्या? अच्छा 62। हाँ वही वाली। इसमें क्या पुट करेंगे साहब? नहीं ऐसे डाल दो 10। 1 - x² में क्या लिख पाया है? साइन डालेंगे। करिए जरा 63 किसी से नहीं होगा क्लास में। पहले 62 कर लीजिए। मैं ऐसे बोल देता हूँ ना बंदे का 63 पे ध्यान जाए। कितना आंसर आया? मुझे नहीं पता आंसर। चेक करिए सही है नहीं है, क्योंकि नीचे बन जाएगा ना साइन थीटा अपॉन में 1 - sin²θ हो गया, वो cos²θ बन गया, वो tan θ बन गया। हाँ आ गया, बी आंसर है। अर्षिता आ गया बेटा। कितना आंसर आया? चले एक मिनट के लिए मैं कर दूं एक बार। कर देता हूँ, कर देते हैं। 62 देखिए क्या करेंगे। एक्स को बेटा मैंने क्या पुट कर दिया? साइन डीटा। कितना आ जाएगा ये? टेन इनवर्स साइन डीटा अपॉन वन रूट में कितना आ जाएगा? 1 - sin²θ आ जाएगा। ये क्या था? 1 - sin²θ क्या हो जाएगा? cos²θ हो गया। कितना आ गया है? tan थीटा कट जाएगा तो थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन वाले इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 ये नहीं हो पाएगा आपसे। रहने दो, हो ही नहीं पाएगा फिर क्या करें? हमें करा दो। देखिए जिन बच्चों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को दिल से किया है वो ही कर पाएगा सवाल को। इसमें डिफरेंशिएशन का काम कम है जरूर उसका काम। अच्छा आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2। पाई बाय 2 वेल डन। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू? और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू? और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस एक्स। टेन का उल्टा? सेक का उल्टा? कॉस। देखिए यहाँ पे ये कॉस लिखा हुआ है, ये कॉस एक्स लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स। ये कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स उल्टा करूंगा तो ऐसा आ जाएगा? नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा ये। और ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होगा, एंगल सेम है। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। पर ये वो बच्चा कर पाएगा जिसको ये फार्मूला मालूम है? मतलब पागलों की तरह लगा रहेगा साहब, चार पेज भर देगा, निकलेगा नहीं। तो कितना समझ में आ गया आपको बेटा? पाई बाय 2 तो वैल्यू हुई, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 मेरा फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 64 कितनी बार कर चुके हम लोग? हम तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा, बताइए जरा। 64 एक्स ए कॉस क्यूब क्यूब टी है, वाई ए साइन क्यूब टी है, डी बाई डेक्स पूछा है। तो डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी बाई डी टी निकालो। पेपर
ठीक है सर। राइट राइट सर। हाँ नहीं ठीक है सर। हाँ क्योंकि इसीलिए नहीं पढ़ता वो। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है सर ठीक है। समझ गया सर। तो इसके साइन करवाने ना इसमें मतलब। अच्छा पैन कार्ड तो पता नहीं इसका कहाँ होगा नहीं होगा, तो देखता हूँ जरा मैं, क्योंकि रिटर्न सबमिट कर ही नहीं रहे सालों से। ठीक है मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है सर मैं आज बोलता हूँ उसको। ठीक है नहीं द्वारका नहीं सर, उत्तम नगर ही है सर। हाँ ठीक है थैंक यू सर। हेलो मैं अभी मैंने ये डॉक्यूमेंटों को भेजा है, इसका तेरे साइन आएंगे और तेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा और इसमें तेरी अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी अटैच करके ना जिंदल साहब के ऑफिस में दे देते आज ये काम करवा दिया जरूरत है। इंदर जी का फोन आया थैंक यू। अच्छा जरा सर एक बार चले आगे नहीं निकला अभी 61 नहीं हुआ पकड़ लेते हैं। देखिए डीएस बाय डीटी निकालेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ से डी बाय डीटी निकालेंगे। डीएस बाय डीटी कितना आएगा कौन बताएगा यहाँ पे। एक्स इजिकल टू कितना दे रखा था आपको, ए कॉस क्यूब टी था, वाई इजिकल टू कितना था ए साइन क्यूब टी। डीएक्स बाय डीटी कितना आएगा, ए कॉन्स्टेंट है इसको लिखेंगे कॉस टी का होल क्यूब लिखते हैं हम लोग, तो थ्री कॉस स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी कॉस टी का माइनस साइन टी। डी बाय डीटी कितना आएगा, ए कॉन्स्टेंट है इसका थ्री साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। डी बाय डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, अब डी बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी कितना आ जाएगा, थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू माइनस कॉस टी अपॉन थ्री ए कॉस स्क्वायर टी। ये मैंने माइनस गलत लिखा दिया, माइनस नहीं आया कॉस टी था खाली। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, थ्री ए से थ्री ए कट गया, एक साइन से साइन उठ जाएगा, एक कॉस से कॉस उठ जाएगा, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी बच जाएगा, माइनस साइन टी आएगा जो अरनेश गुप्ता जी ने तभी बता दिया था कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो नजर आता है। हाँ क्या 11 बजे चलेंगे आगे एक मिनट के लिए, समझ में आ गया आपको ये। हाँ गुप्ता जी सॉरी तलवार जी ओ ऐसा
चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक ले रहे आपको मैं कराऊं क्या 65 कराऊं मैं अब। अरे नालायक तू गिरता पता लगता मजा सा आ गया। 65 देखो जरा 65 देखते हैं यहाँ पे कौन करेगा 65 करके देखो। हाँ एक सेकंड सर बस जरा एक मिनट लूंगा जरा आपका मैं।
क्या हुआ? मैं आता हूँ सर, मैंने क्वेश्चन दिया 57 करने के लिए उनको, आज ही पिटेंगे बच्चे। अच्छा मैं यार क्या दिखा रहा था आपको यार, वो व्हाट्सअप आया, व्हाट्सअप कैसे खुलेगा यहाँ? एक सेकंड, व्हाट्सअप कैसे खुलेगा यहाँ? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट के लिए। हैप्पी बर्थडे किसका है आज? भूमि का। आओ, क्लासेज बहुत अच्छी है इनकी। हैप्पी बर्थडे भूमि। देखिए मैंने आपको हरियाणा का एग्जाम्पलर भेजा है, देखिए आपको 3 दिन मिलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ जरा एग्जाम्पलर के बारे में। ये एग्जाम्पलर विद सॉल्यूशन मैंने आपको भेजा हुआ है, यानी पूरा सॉल्यूशन भी एग्जाम्पलर का। अच्छा देखिए आपको क्या करना है यहाँ, ये तो मैं इंटीग्रेशन पे आ गया। प्लीज ये देखिए जरा, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है? साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग? साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का फिर से कर देंगे, तो ये क्वेश्चन हो सकता है 29। और साथ में सॉल्यूशन आपको दे रखा है, और जान लो के बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साइन रेज़ टू द पावर एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको? साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर एन है। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जिसको एक्स माना। तो आपका काम क्या है, आपको ये नोट करना है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मैं आपके पास आऊंगा, तो जब आपका मैं टेस्ट लेने जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये डिफरेंशिएशन का पेज नंबर कितना आ रहा है बेटा? 127 आ रहा है ना, तो ये सवाल सॉल्व करने हैं 121 से लेके, ये एक से लेके 100 क्वेश्चन होंगे करीब करीब। ये 100 क्वेश्चन ट्राई करने हैं बेटा आपको, जो दिक्कत होगी वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा यहाँ पे मार्क्स 100 ले, ये मेरा ड्रीम है ये, और ये आप सच करके दिखाएंगे, आप करेंगे, मेरा साथ देंगे आप। तो मैंने एग्जाम्पलर आपको भेज दिया, एक बार इसे करके देखें। थैंक यू सो मच, आज हम इतने रखेंगे, लेकिन अभी टेस्ट आपका शुरू हो रहा है, 5 मिनट बात कर लेंगे। और बोलिए सर।